2014 में दिलीप सिंह जुदेव सिंचाई परियोजना केलो बांध पर बनाया गया है। पानी भरने के बाद लगातार 5 से 7 गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसमें ढीपा पारा जहां 500 की जनसंख्या है और 30 से 40 बच्चे लगातार माध्यमिक स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें होती है। बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है स्कूल की? बहुत बुरी स्थिति रहती है, पानी तो रोड पे भरा हुआ है, साइड से जाओ सब तरफ से पानी ही पानी रहता है। हम लोग को डर ये रखता है कि बच्चे छोटे हैं, कहीं वहाँ चले जाए कुछ प्रॉब्लम हो गई तो भी परेशानी हो सकती है। कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से स्कूल हट जाता, पानी के बहुत नज़दीक होता है। मैं यहाँ आंगनबाड़ी की सहायिका, मेरे को भी आना पड़ता है 9 बजे यहाँ पे, तो बहुत दूर पड़ जाता है तो और देर हो जाता है और आधे बच्चों को ला पाती हूँ, आधे को नहीं ला पाती। जो रोड बना हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, उस रोड में आज 5 से 10 फीट पानी हमेशा भरा रहता है। साथ ही एक और ऐसा गांव है जहां पानी भर जाने से रोजगार संबंधी दिक्कतें हो रही है। गांव का नाम है छिनभोना, जो विकासखंड तमनार के अंतर्गत आता है। इस गांव के मजदूर और किसान लगातार इस समस्या को पिछले 2 साल से झेलते हुए आ रहे हैं। इनका मुख्य काम है बांस से खेती योग्य सामान बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। नदी में पानी भर जाने की वजह से इनका यह व्यवसाय आज अंतिम कगार पर है। केलो डैम के समस्या है। कैसे? जाए आए के तकलीफ है। कहाँ जाए बर, किसे जाए बर? गिरवानी जाए बर, भूता का और रोजी मजूरी बर वहीं चला जाथन। किसे अब, किसे कर था, किसे जाथा? अब अभी तीव में पार होथन, अभी पुलिया एमे रहती ना तो हर दिन काम चलती, ऐसे फैक्ट्री वैक्ट्री ला भी काम कर सकते हैं जाए। जकर करा ट्यूब है वह तो जही और जकर करा नहीं है कौन लेगी, क्या कुछ रहती तो लेके जाती। बाजार बाजार पर कैसे करता वो? बस वही ट्यूब में जाता हम बाजार। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 94-24-53-23-80 पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि जल्द से जल्द इस गांव में एक रोड का निर्माण हो। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।